ऑफिसर्स, नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर यूपीएससी प्रेपरेशन हाई माई नेम इोहित्रिंग यू ट्वेंटी मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक है आज का जो हमारा टॉपिक है इट फीचर्स एग्रीकल्चर के अंदर एक ऐसा सेगमेंट है जो कि एग्रीकल्चर को वन थर्ड जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिट जो है वो प्रोवाइड करता है वी आर टॉकिंग अबाउट दॉर्टीकल्चर सेक्टर इन इंडिया राइट अब हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया की जब हम बात करते हैं बच्चे उसी से रिलेटेड एक लेटेस्ट करंट अफेयर आया है विच इज कॉल्ड दी डी सुरक्षा राइट सी डी पी इज नथिंग बट क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिस्बर्सिंग सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर उसको फैसिलिटेट करने वाला है राइट पुराने सिस्टम से ये एक अपग्रेड है ये एक चेंज है जहां पे सब्सिडीज uh, जो है वो थोड़ा रुक के मिलती थी अभी जो है ये साथ साथ मिल जाएगी इमीजिएटली मिल जाएगी थ्रू ई ई रूपी डैश रूपीआई जो कि आपका क्यू आर कोड वाउचर होता है पैसे के लिए राइट एनपीसीआई के थ्रू जो है ये डेवलप्ड uh, एक सिस्टम एक है विच इज कॉल्ड ई रूपी उसके थ्रू जो है आपके जो डिसबर्समेंट है वो हॉर्टिकल्चर के फार्मर्स को हो जाएगी राइट इसी इसी क्लास के अंदर, इसी वीडियो के अंदर अंदर वीडियो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक्चुअली है क्या राइट प्लस हम ये भी देखेंगे कि इंडिया में हॉर्टिकल्चर सेक्टर के क्या स्टेटस चल रही है क्या क्या अभी उसकी करंट स्टेटस क्या है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर करंट स्टेटस को पढ़ने से यह होगा कि आपको उसके बाद में ना बच्चे इसकी रेलिवेंस समझ में आएगी कि सीडीपी सुरक्षा को एज अ टॉपिक ये अभिमन्यु आई एस ने क्यों डाला है ना ये इंपॉर्टेंट है उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा एक तो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्ट दे ही दिया कि वन थर्ड जो आपकी जीवी है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो आपकी हॉर्टिकल्चर से करंटली आ रही है राइट इसके अलावा जो आपको हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, से है इसकी जो प्रोडक्टिविटी हॉर्टिकल्चर की वो फूड ग्रेन से लगभग पांच गुना है पर हेक्टेयर की अगर हम बात करें राइट पांच या साढ़े पांच गुना उससे ज्यादा ये इससे कम नहीं है जैसे पर हेक्टेयर जो आपकी फूड ग्रेन्स है वो आपको लगभग टू से लेके टू पॉइंट थ्री पर हेक्टेयर जो है इतना आपको प्रोड्यूस करके देती है पर ईयर राइट ऑन अदर हैंड जो आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर है ये आपको पर हेक्टेयर लगभग 12 टन की प्रोडक्शन जो है वो देता है राइट right? हेंस ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना राइट वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड भी बहुत है और करंटली इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का राइट right? हालांकि हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स आपके हर्ब्स और ऑर्नामेंटल प्लांट सब कुछ इंक्लूडेड है पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो इंडिया जो है वो आपका सेकंड नंबर का प्रोड्यूसर भी है कमेंट्स में मुझे फर्स्ट नंबर वाला बता दीजिए एक बार आइए बच्चे तो ये एन के थ्रू हुआ है विच इज नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड राइट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ये और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की है दैट मीनस कि जब हम सीडीपी सुरक्षा वो पूछेंगे कि सीडीपी सुरक्षा किस मिनिस्ट्री के अंडर है तो इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसके अलावा जो और सवाल आ सकता है वो यही है कि किस चीज से रिलेटेड है वो हमने देख लिया कि इट इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर राइट आइए बच्चे क्या फुल फॉर्म है सुरक्षा की इट इज ये देखिए यूनिफाइड सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस राइट डिजिटल प्लेटफॉर्म है विच विल अलाउ एन इंस्टेंट डिस्पर्सल ऑफ सब्सिडीज टू फार्मर्स इन दर बैंक अकाउंट बाई यूटिलाइजिंग ई रूपी वाउचर फ्रॉम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई अगेन एनपीसीआई आरबीआई द्वारा राइट right? जिसके अंदर आपके बहुत सारे इनिशियटिव है फॉर एग्जाम्पल आपका वो भीम आपका यूपीआई राइट right? और आपका आई एम ये सारे सिस्टम जो है वो एनपीसीआई के थ्रू विच इज अट फॉर प्रॉफिट कंपनी कंपनीज एक्ट के तहत ये जो है रजिस्टर्ड है ये पर्टिकुलर चीज ठीक है फीचर्स क्या है ये इट इज बेसिकली एन इंटीग्रेशन ऑफ पीएम किसान क्लाउड बेड सर्विस स्पेस फ्रॉम एनआईसी यूआईडीआई वैलिडेशन ई इंटीग्रेशन लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी एलजीटी एलजीडी राइट इसके मतलब बेसिकली जितनी भी चीजें इसके अराउंड है उसका एक क्लस्टर है ये राइट इंफॉर्मेशन क्लस्टर भी है प्लस इसके अंदर जो है आपका जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया वो प्रोवाइड किया गया कि जो आपकी सब्सिडीज हैं ठीक है वो कैशलेस तरीके से और इमीजिएट तरीके से प्रोवाइड हो जाए ताकि हॉर्टिकल्चर एज अ सेक्टर उसको बूस्ट मिले है ना हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बूस्ट क्यों करना है उसका मैंने आपको छोटी सी झलक जो है वो बता दी है लेट अस सी दैट हॉर्टिकल्चर फार्मिंग को पहले देख लेते हैं बच्चे कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है एक्चुअल में शॉर्ट में देखेंगे इसको राइट इट इज द कल्टीवेशन प्रोडक्शन एंड सेल राइट यानी कि प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक जितनी भी चीजें हैं राइट टू एंड टू एंड टू राइट वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होती है ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्लावर्स हर्ब्स ऑर्नामेंटल और, और एग्जॉटिक प्लांट्स राइट इस सबकी कल्टीवेशन, प्रोडक्शन और सेल के पूरे कलेक्टिव सेक्टर को हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो कहा जाता है राइट लैटिन वर्ड से आया है विच मीन हॉर्टस गार्डन एंड कल्चरा मीन कल्टिवेशन सो तो ये दो आपके जो है स्टेटिक पॉइंट है बच्चे ये भी आप जो है आपको याद रखने ये चाहे आपको एल एच बेली ये चाहे याद हो ना हो कि फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर है आपको फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर जरूर पता होना चाहिए हॉर्टिकल्चर एज अ टॉपिक क्योंकि इस साल एक्टिव है ये तीसरा या चौथा करंट अफेयर है हॉर्टिकल्चर का जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया आई थिंक दूसरी वीडियो है पिछले छह महीने में हॉर्टिकल्चर के ऊपर राइट दैट मीन्स कि ये रेलिवेंट चल रहा है है ना आ, थोड़े साइंस को पकड़िए और इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं राइट एम एच मैरीगोडा एम एच मैरी गोडा इज द फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर राइट इसके अलावा इसके जो टाइप्स हैं बच्चे क्लासिफिकेशन है ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हाउ जैसे पोमोलॉजी इट इज दी प्लांटिंग हार्वेस्टिंग स्टोरिंग प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट एंड नट क्रॉप्स ये, uh, ये चॉकलेट का नाम नहीं है ठीक है अलग है ये ऑल एरिकल्चर वेजिटेबल्स आरबोरिकल्चर इंडिविजुअल ट्रीज श्रब्स एंड अदर पेरेनियल वुडी प्लांट्स टल हॉटिकल्चर जिसके दो पार्ट्स हैं इज हैल्चर एंड लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर राइट right? <coughs> अगर कोई आइडियोलॉजिकल सवाल पूछना होगा क्लासिफिकेशन के ऊपर स्टैटिक सवाल पूछना होगा तो बच्चे को यहां से आएगा इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स राइट बच्चे इसके अंदर फ्लावर्स हर्ब्स वगैरह नहीं मैं ध्यान रखना ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ठीक है बच्चे एड्स अबाउट थर्टी थ्री परसेंट यानी कि वन थर्ड दी जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर राइट एंड इंडिया इज प्रोड्यूसिंग करंटली प्रोड्यूसिंग थ्री ट्वेंटी पॉइंट फोर एट मिलियन टन ऑफ हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस फूड ग्रेन की प्रोडक्शन कम है है ना और कम एरिया में ज्यादा प्रोड्यूस करता है राइट आइए क्योंकि हॉर्टिकल्चर को ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स मिलियन हेक्टेयर जो है वो एलोकेटेड है, है ना? और जो फूड ग्रेन है उसके अंदर ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स मिलियन हेक्टेयर जो है वो फूड ग्रेन के लिए है। However, जो प्रोडक्शन है वो हॉर्टिकल्चर की ज्यादा है राइट right? उसका मैंने कारण आपको पहले भी बताया था वीडियो के अंदर बहुत सिंपल सा कारण है कि 12 टन पर हेक्टेयर लगभग अगेंस्ट 2.23 पॉइंट पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन है इसकी हॉर्टिकल्चर की राइट बच्चे एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रस एग्जामिनेशन If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se and if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.